अंजारा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिवॉर्मिंग से रिलेटेड वीडियोस कि डिवॉर्मिंग क्या चीज़ होती है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और हमारे कैट्स के लिए क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि डिवॉर्मिंग किस लिए करते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हमारी कैट्स के अंदर कई बार इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं और इनको मारने के लिए, इनको इनके जो कीटाणु होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें डिवॉर्मिंग करनी ज़रूरी होती है। और जैसे कि कैट के अंदर बेसिकली थ्री टाइप के वॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म और हुक वॉर्म। मोस्टली टैप वॉर्म जो हैं वो एडल्ट कैट में पाए जाते हैं और एडल्ट कैट के लिए भी हमें टाइम टाइम पे हमें उनको डिवॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम उनको टाइम टाइम पे डिवॉर्म नहीं करते हैं तो उनके लिए उनकी हेल्थ इश्यूज़ ओपन हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जैसे कि उनको हेयरफॉल होना शुरू हो जाता है, डायरियाज होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और उनको वीकनेस हो जाती है, यहाँ तक कि उनको ब्लडी डायरियाज भी हो जाता है, वॉमिट में भी डायरिया, वॉमिट में ब्लड आना शुरू हो जाता है। ओवरऑल पैरासाइट्स जो होते हैं हमारी कैट्स के अंदर उनको इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं कि जिससे वो खाना पीना भी छोड़ देती हैं, कई बार इतना चिड़चिड़ी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा रूड भी हो जाती हैं, कई बार एग्रेसिव भी हो जाती हैं। तो ये कंपलसरी होता है हमारे लिए इनको टाइम टाइम पर डिवॉर्म करना। और हमें डिवॉर्म जो करना होता है वो हम कैसे करें और कैसे उनका बॉडी वेट देखें, बॉडी वेट पे हमें कितनी कितनी टैबलेट देनी होती है, इसके बारे में मैं आपको शेड्यूल बताती हूँ। अगर हमारी कैट जो है 2 kg की है तो हमें उसके लिए हाफ टैबलेट यूज़ करनी चाहिए और अगर 2+ है उसका वेट तो हमें उसको पूरी टैबलेट दे देनी चाहिए। उसके लिए कम से कम आपको टैबलेट देने का तरीका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको अपनी कैट को कम से कम मिनिमम 3 आवर उसको भूखा रखना होता है और उसके भूखा रखने के बाद में आपको टैबलेट देनी होती है। मैं स्काईबॉम कैट टैबलेट यूज़ करती हूँ और उसके लिए एक टूल भी यूज़ करती हूँ जिससे ये वाला टूल होता है, इसमें एक टैबलेट लगाते हैं और डायरेक्ट ही हम अपनी कैट के मुँह में उसको इंटरनल डाल देते हैं। और दूसरा ये है कि हमें मोस्टली अपनी किटन्स से, किटन को डिवॉर्म करने से बचना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी छोटे छोटे किटन्स को डिवॉर्म करना शुरू कर देते हैं कि भाई इतना छोटा किटन है इसको अभी से डिवॉर्मिंग कर दें, तो प्लीज़ ऐसा ना करें क्योंकि इतना छोटा किटन होता है तो उसको उसकी जान पे भी बना सकती है, वो मर भी सकता है, क्योंकि अगर ज़रा से भी टैबलेट या ज़रा सा भी उसका रेशियो ऊपर नीचे हो जाता है तो आपकी कैट मर भी सकती है। और दूसरी बात ये कि आपको इनको डिवॉर्मिंग कब कब देनी है और कैसे कैसे देनी है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इनको डिवॉर्मिंग कब देनी और कब नहीं देनी है। तो आपको कब नहीं देनी वो बताती हूँ कि आपकी कैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग हीट और ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, ड्यूरिंग फीवर, ये सब चीज़ें अगर आपकी कैट को हैं तो प्लीज़ आप डिवॉर्मिंग से थोड़ा बचें, आप अवॉइड करें डिवॉर्मिंग को। और दूसरी बात ये है कि डिवॉर्मिंग करने का तरीका क्या होता है। डिवॉर्मिंग करने का तरीका होगा आपका टूल जो होगा, कई लोग क्या करते हैं कि डिवॉर्मिंग जब करते हैं तो अपनी कैट्स को टैबलेट जो है कभी पानी में मिला करके दे देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि ईजीली खा जाएगी वो, और कई बार फूड में मिला कर दे रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी कैट्स जो होती है उसको उस टैबलेट्स का इतना बेनिफिट्स नहीं जा रहा होता है, उस डिवॉर्मिंग का उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप अपनी कैट्स को डायरेक्ट ही उसके माउथ में वो टैबलेट इंसर्ट करें ताकि वो अंदर उसको डायरेक्ट ही ले ले और उसके 3 घंटे तक आपको उसको भूखा रखना है, उस 3 घंटे तक उसको खाना नहीं देना है। और देखेंगे आप इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे आपके कैट में काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आएगा, वो हेल्दी कूदती फांसती और बहुत ज़्यादा नॉटीनेस उसके अंदर आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी। और दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि आप अपनी कैट्स को हमेशा ही डिवॉर्म ऑन द टाइम करें और उसको मार्क कर लें कैलेंडर पर कि आपको कब उस आपने उसको कब डिवॉर्म किया है और कब नेक्स्ट टाइम आपको करना है। कई बार लोग भूल जाते हैं कि हमने कब किया था कब नहीं किया था। मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, अपनी कैट्स को तब भी डिवॉर्म करती हूँ, उसको कैलेंडर पे मार्क कर देती हूँ, नहीं तो हम इनका एक कार्ड रखते हैं जो वैक्सीनेशन कार्ड होता है उस पर भी हम ये आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और
आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आप मुझको बताएं ज़रूर, और मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट टाइम हमारी जो वीडियोस आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो वैक्सीनेशंस होती हैं तो उसमें क्या क्या फ्रॉड चलता है। आपको कई बार डॉक्टर बता देते हैं कि आपकी कैट की वैक्सीनेशन हो गई प्रॉपर, पर वो वैक्सीनेशन नहीं हो रही होती है और आपकी कैट आपको बार बार अनहेल्दी नज़र आ रही होती है। तो आप मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वैक्सीनेशन के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वेट करें मेरी वैक्सीनेशन की वीडियो का और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आई वांट टू सपोर्ट यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।